बुरहानपुर जिले में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी मुस्तैद हैं, लेकिन इन दिनों अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पीपी किट और मास्क पहनकर अपना विरोध जताया। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि चाइना और यूरोप के अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड-19 कंट्रोल के पूर्व तैयारी हेतु पूरे भारत में मॉक ड्रिल कराई गई है, जिसमें मानव संसाधन, ऑक्सीजन, दवाइयां, लॉजिस्टिक परिवहन की उपलब्धता एवं व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तो प्रदेश के सभी जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऐसे में शासन स्तर पर की मॉक ड्रिल किसी काम की नहीं। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोविड-19 के तीनों लहर में रात दिन अपनी सेवाएं दी। चाइना के केसेस को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रिल का आयोजन किया था और बुरहानपुर में भी मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल इसलिए है कि ताकि भविष्य में यदि कोविड के केसेस आते हैं तो हमारा मेन पावर, दवाइयाँ, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य चीज़ें जो है यथावत हमें पूरी तरह से मुस्तैद करके उपलब्ध कराना था, लेकिन शासन ने हड़ताल कर्मचारियों को आज रोड पे ला दिया है। किसी तरह की पिछले 13 दिन से कोई सुनवाई नहीं है, तो हम विरोध स्वरूप आज पीपी किट, मास्क पहन के जताना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों ने पिछले 3 लहरों में